बिजनेस में नई आइडियाज कैसे लाएंगे उसके बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ। हाउ टू डेवलप और हाउ टू गेट न्यू बिजनेस आइडियाज। हमको कुछ भी नया बिजनेस में करना है, कुछ नया लाना है, तो लाना असंभव है जब तक आप रोजमर्रा की जिंदगी में अंदर फंसे हो और रोज अंदर बैठ के काम कर रहे हो। आपको क्या करना पड़ेगा? टाइम ऑफ निकालना पड़ेगा। टाइम ऑफ में आप मेडिटेशन कर रहे हो, शांत जगह जाके बैठे हुए हो जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, ना मोबाइल है, ना व्हाट्सएप है, ना फेसबुक है, कुछ भी नहीं है, बाहर से कोई स्टिमुलेशन नहीं आ रहा है। आप एक दिन, दो दिन, तीन दिन बैठे हैं और सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ मेरे बिजनेस में। तो पहला अप्रोच है मेडिटेशन अप्रोच। इसमें कुछ भी नई आइडिया अंदर से फिर आ जाएंगी बाहर, जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, क्योंकि जब से बाहर से बम्बारिंग चालू है तब तक अंदर से बाहर कुछ आएंगे ही नहीं। तो ये पहला है। फिर दूसरा है कॉफ़ी शॉप अप्रोच। अब कॉफ़ी शॉप अप्रोच में आप ऐसा करो कि कुछ लोगों का ऐसा ग्रुप बनाओ कि जो कल्पनाएं करेंगे, नई आइडियाज़ लाएंगे, तो न्यू आइडियाज़ ग्रुप। तो लोग आप लेके बैठेंगे, कॉफ़ी शॉप में बैठेंगे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे आप बैठेंगे और सोचेंगे कि मैं मेरे बिजनेस में क्या नई आइडियाज़ ला सकता हूँ। उसमें क्या होता है कि लोग कभी बैठते हैं ना तो गॉसिपिंग ही करते हैं। कॉफ़ी शॉप में बैठे तो गॉसिपिंग करेंगे और कुछ लोगों के बारे में बात करेंगे। जो लोगों की छोटी सोच रहती है वो लोगों के बारे में बात करते हैं, वो गॉसिपिंग करते रहते हैं। जो लोगों की सोच जो है वो एवरेज होती है वो कई घटनाओं के बारे में बात करते रहते हैं। मगर जिनकी सोच बहुत बड़ी होती है, जो ग्रेट इंसान होते हैं, वो आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं। तो ऐसा ग्रुप बनाओ कि जो आइडियाज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग जो ऐसा, उसका मतलब ये होता है कि एक आपका बिजनेस लेके बैठे हो, आपने एक ग्रुप बिठा दिया, वो कोई बाहर से कोई स्टिमुलेशन नहीं ला रहा है, कोई नए नए मतलब बाहर से कोई टीवी देख रहे हैं, कोई व्हाट्सएप देख रहे हैं, कोई मोबाइल्स देख रहे हैं, कुछ नहीं करना है, एक आइडिया लेके बैठना है। और आपका वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन क्या है, मतलब कुछ भी इमेजिनेशन, क्या सोच सकते हैं आप, वैसा सोचने का है वो बिजनेस बढ़ाने के लिए। क्या कर सकते हैं हम, कुछ भी आइडिया आने दो और किसके भी मन में आइडिया आने दो, वो बिजनेस के लिए सब लोग अपने अपने दिमाग लगाएंगे। कोई भी आइडिया आती है जो आपको असंभव लगती है वो भी सब लिख लेना है। उस समय किसको क्रॉस करने का नहीं है, सिर्फ एक इतना ही काम करने का, बैठना है, सोचना है, जो भी मन में आता है लिख लेना है। ऐसी पूरी आप लिस्ट बनाते हो, एकदम असंभव भी आप लिख सकते हो उसमें, और वो एक बार पूरी लिस्ट हो गई, बाद में उसका असेसमेंट करो कि उसमें से मैं कौन से काम कर सकता हूँ, कौन से नहीं कर सकता हूँ, क्या संभव है, क्या संभव नहीं। तो ये तीसरा हो गया ब्रेनस्टॉर्मिंग। चौथा हो गया कि ब्रेक योर पैटर्न। ब्रेक योर पैटर्न इसका मतलब ऐसा है कि नई जगह जाओ, नए लोगों से मिलो, कुछ नया काम करो, कुछ तो भी नया करो। आप जब नया करेंगे तो फिर क्या होगा, कुछ तो भी नए 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 स्टिमुलेशन आपके ब्रेन को मिलेंगे, नए आइडियाज आएंगे। तो कुछ भी नया करो, जो रोज का पैटर्न ब्रेक करो, कुछ तो भी नया करो। तो वो एक है। क्या पांचवा जो है वो है कि बड़े आइडियाज का इंतजार मत करो। जो भी छोटी छोटी आइडियाज आ रही है उसके ऊपर काम करना चालू करो। वो छोटी छोटी आइडियाज भी धीरे 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 बड़े आइडियाज को जन्म देगी और आपके बड़े आइडियाज आ जाएंगे, वो आपका बिजनेस बहुत बड़ा कर देंगे। तो फिर से एक बार मैं उसका सारांश देता हूँ। नंबर एक, मेडिटेशन के स्टेट में बैठो और नई नई आइडियाज़ देखो जहाँ आपको बाहर से कुछ भी स्टिमुलेशन आएंगे नहीं। नंबर दो जो है कॉफ़ी शॉप अप्रोच है। नंबर तीन जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग है। नंबर चार जो है ब्रेक द रेगुलर पैटर्न। नंबर पाँच है बड़े आइडियाज़ का इंतज़ार नहीं करना, छोटे आइडियाज़ के ऊपर काम कर देना। तो ये हम करते हैं तो डेफिनेटली आपके धंधे में बहुत बड़ी बड़ी आइडियाज़ का जन्म आप देंगे, और वो आइडिया जब आती है और उसके ऊपर आप एग्जीक्यूशन करेंगे तो धंधा एकदम नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर हिट करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। हमें काफ़ी लोग फ़ोन से संपर्क करते हैं, उनके मानसिक बीमारियों के लिए सलाह मांगते रहते हैं, कंसल्टेशन मांगते रहते हैं। आपको भी ऐसा कभी लगा तो हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, काउंसलिंग हमारा ले सकते हैं, यहाँ खुद मिलने को अकोला में आ सकते हैं और आप एक हैप्पी लाइफ जी सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।